हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मैरीगोल्ड इंग्लिश 3 का जो ये चैप्टर है हमारा लास्ट, द शिप ऑफ द डेजर्ट, मतलब कि रेगिस्तान का जो जहाज़ है वो हम किसे कहते हैं, कैमल को। ठीक है, लायन हु आर यू, एकदम जोर से जो लायन होता है वो चिल्ला के कहता है कि तुम कौन हो। कैमल, लुकिंग डाउन एट द लायन, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू। फिर जो कैमल होता है वो कहता है कि मैं तो रेगिस्तान का जहाज हूँ, तुम कौन हो। लायन, डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं तो जंगल का राजा हूँ। कैमल, आर यू, ओ आई सी, वो कहता है कि अच्छा ऐसा है, आप जंगल के राजा हो, मतलब ऐसे जैसे कि उसको कुछ पता ही ना हो, वो उस तरह से कहता है। लायन, यू कॉल योरसेल्फ द शीप ऑफ द डेजर्ट, हाउ कैन यू बी अ शीप, यू आर एन एनिमल। फिर जो वो लाइन होता है वो कहता है कि तुम खुद को शीप ऑफ द डेजर्ट कैसे कह सकते हो, कि रेगिस्तान के जो जहाज है वो तुम खुद को कैसे कह सकते हो। तो वो कहता, तुम तो एक एनिमल हो। तो फिर वो कहता है कैमल, स्माइलिंग, कैमल हंसते हुए कहता है, सो आई एम, बट पीपल कॉल मी द शीप ऑफ द डेजर्ट, मतलब कि इसके अंदर क्या है कि कहता है कि क्योंकि मैं शीप, क्यों मुझे कहा जाता है, आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन ए हॉट आफ्टरनून, द सैंड बर्न्स बट इट डजंट मैट बॉदर मी। अब जो कैमल होता है वो कहता है कि मैं इतने गरम गरम धूप में, इतने गरम सैंड, मतलब कि रेगिस्तान में जो मिट्टी होती है उसके ऊपर मैं इतने गरम गरम में चल सकता हूँ, जो सैंड होती मतलब कि मिट्टी होती वो पूरी गर्म होती है, उसके ऊपर मैं चल के कहीं पे भी जा सकता हूँ, क्योंकि रेगिस्तान में तो बहुत गर्मी होती है। लायन, आई कॉन्ट बिलीव इट, वो कहता है कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि ये सच कह रहे हो तुम। ठीक है, कैमल, कैन यू वॉक अक्रॉस ए डेजर्ट, फिर जो कैमल होता है, क्या तुम इस रेगिस्तान में जा चल सकती हो। लायन, नो आई कॉन्ट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, वो कहता है कि नहीं मैं रेगिस्तान में तो नहीं चल सकता लेकिन मैं जंगल में दौड़ जरूर सकता हूँ। कैमल, एवरी एनिमल कैन डू दैट, हर कोई एनिमल तो कर सकता है, ठीक है, दौड़ सकता है जंगलों वगैरह में। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, मैं ही एक हूँ जो मिट्टी के ऊपर चल पाता हूँ, गरम गरम जो मिट्टी होती है, ठीक है, जो रेत होती है उसके ऊपर मैं चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर, मैं एक घंटे में 25 किलोमीटर्स तक मिट्टी के अंदर चल सकता हूँ। लायन, वंडरिंगली, हाउ कैन यू डू दैट, वो कह फिर जो लाइन होता है वो कहते हैं कि ये तुम कैसे कर सकते हो। कैमल, लुक एट माई फीट, वो जो कैमल होता है वो अपने फीट को बताता है, दे आर थिक एंड पैडेड, वो कहता है कि देख कैसे गद्दे जैसे और मोटे मोटे मेरे पंजे हैं। द हॉट सन डस नॉट बर्न देम, जो हॉट जो गर्म गर्म जो होता है, जो रेत होती है या जो गर्मी होती है, वो मुझे बर्न मतलब मुझे जलाती नहीं है। लायन, माई फीट आर पैडेड टू, फिर जो लायन होता है वो कहता है हाँ हाँ मेरे भी पंजे गद्दे जैसे हैं, थॉर्न्स डोंट प्रिक देम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर। और फिर जो लायन होता है वो कहता है कि सिर्फ तुम ही नहीं जा चल सकते हो, मैं भी दौड़ सकता हूँ 80 किलोमीटर, मीन्स 80 किलोमीटर्स एक घंटे में। कैमल, दिस इज ट्रू, यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट, बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड। अब जो कैमल होता है वो कहता है कि क्या ये सच में तुम दौड़ सकते हो 80 किलोमीटर्स, वो भी एक घंटे में, वो भी जंगल में से, लेकिन क्या तुम डेजर्ट में हॉट सैंड में इतने माइल तक चल सकते हो। लायन, मे बी नॉट बट, वो कहते हैं कि शायद से तो नहीं चल पाऊँगा। कैमल, एंड यू कॉन्ट लिव विदाउट वाटर फॉर ए वीक कैन यू, फिर जो कैमल होता है वो लायन से कहता है क्या तुम बिना पानी के जी सकते हो एक हफ्ते। लायन, नो आई कॉन्ट, आई नीड वाटर एवरी डे, बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर। लायन कहता है कि नहीं मुझे तो रोज़ चाहिए होता, लेकिन तुम ये मत कहना कि तुम पानी के बिना रह सकते हो। कैमल, येस आई कैन, देर आर नो रिवर्स नो लेक्स इन ए डेजर्ट, जो रेगिस्तान की जो जगह होती है वहाँ पर ना रिवर होता है ना लेक्स होते हैं, बट That does not bother me, लेकिन ये सब कुछ नहीं, I can drink 200 बॉटल की जो पानी होता है, ठीक है, वो एक टाइम में पी जाता है, एक ही वक्त में इतनी बॉटल्स के पानी वो पी जाता है। लायन, रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक, लायन कहता है कि सही में तुम्हारा जो स्टमक है वो ज़्यादा ही कुछ बड़ा है, स्टमक का मतलब होता है पेट। कैमल, प्राउडली,
यस आई हैव अ बिग स्टमक, कैमल जो होता है वो कहते हैं कि हाँ मेरा जो पेट है वो सही में बहुत बड़ा है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर ए वीक, मैं उसके अंदर पानी को स्टोर करके रखता हूँ पूरे हफ्ते का। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 weeks इवन, और मैं 2 हफ्ते का खाना भी स्टोर करके रखता हूँ। लायन शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, वो एकदम से उसे बहुत ज़्यादा ध्यान से उस चीज़ को देखता है कैमल को। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, वो कहता है कि तुम्हारा जो खाना है वो भी तुम तुम्हारे पेट के अंदर स्टोर करके रखते हो। कैमल नो आई डोंट, आई स्टोर इट इन माई हम्प। हम्प मतलब कि जो ऊपर की, जैसे ऊपर जैसे हम्प होता है ना कैमल के, तो जैसे इस पिक्चर में बताया गया है आपको, ये जो ऊपर दिखाया गया है ठीक है, ये होता है हम्प, तो उस हम्प में वो अपना खाना इकट्ठा करके रखता है। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, मैं एक ही टाइम में इतना सारा खाना खा जाता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फॉर्टनाइट, और फिर बाद में उसे ज़्यादा खाना की ज़रूरत नहीं पड़ती है लॉन्ग टाइम तक। लायन दैट्स इंटरेस्टिंग बट वॉट डू यू ईट, फिर जो लायन होता है वो कहता है कि हाँ चलो ये तो कुछ इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन तुम खाते तो खाते क्या हो। कैमल आई ईट लीव्स, वो क्या कहता है कि मैं पत्ते खाता हूँ। बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट, फिर वो कहता है कि डेजर्ट में भी, रेगिस्तानों में भी पेड़ पौधे वगैरह नहीं होते हैं। लायन देन व्हाट डू यू ईट देयर, तो वो कहते हैं कि तो तुम वहाँ पर क्या खाते हो। तो कैमल से देयर आर अ थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में जो कांटे वाले जो पौधे होते हैं, बुशेस होते हैं, वो उनको खाता है। आई ईट थॉर्न्स, द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, लेकिन जो उसके कांटे होते हैं ठीक है, वो मेरे टंग को कुछ नुकसान नहीं करता है। ओके नाउ लायन हाउ फनी, ठीक है वो बोलते कि ये किसी मजाकिया टाइप का तुम ये कह रहे हो। कैमल मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज़ कम विथ मी टू द डेजर्ट, कैमल जो होता है वो कहता है कि जो जंगल के तुम जो राजा हो, ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो इस रेगिस्तान में। लायन नो आई डीड बेटर नॉट, I can't walk on burning sand, I can't store food and water, I can't eat thorns. Goodbye and good luck, Mr. Sheep of the Desert. जो लायन होता है फिर वो कहता है कि नहीं ऐसे नहीं, मैं ऐसे कभी नहीं चल सकता, मैं इस गरम गरम जो मिट्टी है उसके ऊपर मैं बिल्कुल चल नहीं सकता हूँ, ना ही मैं कभी फूड को स्टोर कर सकता हूँ पेट में, और ना ही पानी को मैं स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन ईट और आई कैन नॉट ईट थॉर्न्स, मतलब कि जो कांटे वाले जो पेड़ पौधे बुशेस होते हैं वो भी मैं कभी खा नहीं सकता हूँ, इससे अच्छा है कि मैं आपको गुड बाय कर दूँ और आपको गुड लक भी कर दूँ मिस्टर शीप ऑफ द डेजर्ट। आई होप कि जो ये छोटी सी स्टोरी थी द शीप ऑफ द डेजर्ट आप सभी को समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।